Germination of seeds. The process of growing a new plant from a seed is called germination. Germination क्या होता है, कैसा process जिससे एक new plant grow होता है seed से लेके. Many seeds are produced by a single plant, but only a few get the opportunity to germinate. बहुत से seeds ऐसे होते हैं जो किससे produce होते हैं, single plant से. बस कुछ ही ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट होते हैं. सम एसेंशियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बाय अ सीड टू जर्मिनेट. कोई भी सीड होता है उसको जर्मिनेट होने के लिए बहुत सी कंडीशंस होती हैं, जस्ट लाइक दे गेट प्रॉपर वाटर, सनलाइट, एयर. ओके, लेट अस नो हाउ अबाउट दीज कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा सीड कैसे ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है. टेक 5 बाउल्स एंड प्लेस सम ग्राम सीड्स इन देम. 5 बाउल लेने हैं अपन को, उसमें ग्राम सीड्स डालने हैं. प्लेस द फर्स्ट बाउल इन एन ओपन एरिया वेयर फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर अवेलेबल. डू नॉट ऐड वाटर एंड सॉइल टू दीज सीड्स. फर्स्ट वाले बाउल को अपन एक ओपन एरिया में रखेंगे जहाँ पे उसको फ्रेश एयर मिले और सनलाइट भी मिल सके, लेकिन हम उसमें पानी और सॉइल नहीं ऐड करेंगे. सेकंड, प्लेस द सेकंड बाउल इन एन ओपन प्लेस विद सम वाटर इन इट. सेकंड बाउल को हम भी ओपन प्लेस में रखेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, हम वाटर डालेंगे. द सीड्स ऑफ दिस बाउल्स हैव वाटर, एयर एंड सनलाइट. सेकंड वाले बाउल को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, एयर मिल रही है और सनलाइट मिल रहा है. प्लेस द थर्ड बाउल विद द फर्स्ट टू बाउल्स इन एन ओपन एरिया विद सॉइल एंड वाटर. थर्ड वाले बाउल को हम क्या करेंगे, ओपन एरिया में रखेंगे जिसमें हम सॉइल भी डालेंगे और पानी भी डालेंगे. कीप वाटरिंग दिस बाउल वंस और ट्वाइस अ डे. Now fourth, place the fourth bowl with water and soil in a dark place. जो fourth bowl है हम उसको अंदर क्या डालेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और soil डालेंगे, means मिट्टी डालेंगे. उसको कहाँ रखेंगे, dark place, means जहाँ उसको sunlight नहीं मिल रही है. Keep watering it once or twice a day. फिर उसको पानी देंगे हम दिन में एक या दो बार. Fifth, टेक द फिफ्थ बाउल एंड ऐड सम वाटर एंड सॉइल टू इट. उसमें क्या डालेंगे हम, पानी डालेंगे और सॉइल डालेंगे. कवर दिस बाउल विथ अ लेयर ऑफ ऑयल. और उसको किससे कवर करेंगे, लेयर ऑफ ऑयल से. ऑयल मतलब कि घी. एंड कीप इट इन द ओपन विद द फर्स्ट थ्री बाउल्स. और जो तीन स्टार्टिंग के बाउल रखे थे उसके साथ हम उसको रख देंगे. ऑब्जर्व ऑल द बाउल्स केयरफुली फॉर अ फ्यू डेज. और हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखते रहेंगे कि क्या फाइंड आउट हो रहा है. यू विल फाइंड दैट द सीड्स इन द फर्स्ट बाउल डू नॉट जर्मिनेट एट ऑल सिंस दे डिडंट गेट वाटर एंड सॉइल. फर्स्ट वाले बाउल में अपन ने क्या रखा था, फर्स्ट वाले बाउल को हमने क्या दिया था, एयर दी थी और सनलाइट दी थी, बट हमने उसमें पानी एंड मिट्टी को नहीं डाला था. सेकंड में क्या रखा था हमने, द सीड्स ऑफ द सेकंड बाउल जर्मिनेटेड. और सेकंड बाउल की क्या होगी, जर्मिनेट होगी थोड़े दिन के लिए एंड ग्रू फॉर सम टाइम बट डाइड लेटर फॉर वॉन्ट ऑफ सॉइल. कुछ दिन के बाद वो डाइड हो जाएगी क्योंकि उसको मिट्टी की ज़रूरत थी. द सीड्स ऑफ द थर्ड बाउल जर्मिनेटेड एंड दे कीप ग्रोइंग सिंस दे गेट सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल. जो थर्ड वाला जो बाउल है, द सीड ऑफ थर्ड बाउल जर्मिनेट एंड दे कीप ग्रोइंग. थर्ड वाले बाउल में हमने क्या किया था, सी दिस, प्लेस द थर्ड बाउल विद द फर्स्ट टू बाउल्स इन एन ओपन एरिया विद द सॉइल एंड कीप वाटरिंग. मीन्स हमने क्या क्या रखा है, एयर दिए हमने उसको, सनलाइट दी है और उसमें मिट्टी भी डाली है और पानी भी दे रहे हैं हम उसको. तो क्या होगा, वो सारी कंडीशंस राइट है. तो द सीड्स ऑफ द थर्ड बाउल जर्मिनेटेड एंड दे गेट ग्रोइंग. जो थर्ड वाला बाउल है वो क्या होगा, अच्छे से सीड उसका जर्मिनेट हो रहा है और ग्रो हो रहा है सिंस दे गेट सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, क्योंकि उसको चारों चीज़ें मिल रही हैं. फोर्थ, सम सीड्स ऑफ द फोर्थ बाउल जर्मिनेट बट देयर लिटिल लीव्स गॉट पेल एंड सीडलिंग्स डाइड सून. जो फोर्थ वाला बाउल है
उसमें क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहे हैं, जो छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं वो मुरझा जा रही हैं और हाल सूख जा रही हैं। दीज सीड्स डिड नॉट गेट सनलाइट, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही, क्योंकि हमने उसको फोर्थ वाले बाल को क्या किया था, डार्कनेस में रखा था, मीन्स जहाँ उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी। सी दिस पिक्चर्स नाउ। फिफ्थ, द सीड्स ऑफ द फिफ्थ बॉल डिड नॉट जर्मिनेट एज दे वर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑयल विच प्रिवेंट एयर टू एंटर इट। जब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल की लेयर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एयर पास नहीं हो पाएगी, प्रिवेंट मीन्स रोक देगी, एयर को वहीं रोक देगी, तो क्या होगा, उससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन, अ सीड्स रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है सीड को, एक सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ देम प्रिवेंट द सीड्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग। इनमें से किसी के भी एब्सेंस होगा, जैसे अगर किसी प्लांट को एयर नहीं मिल रही, किसी को वाटर नहीं मिलेगा, किसी को सनलाइट नहीं, तो क्या होगा, उससे वो ग्रो नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा सीड। दस अ सीड रिक्वायर्स फोर कंडीशंस टू जर्मिनेट। हम कह सकते हैं सीड को चार कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, देयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रोइंग सीड्स। फर्स्ट, इन आवर फर्स्ट पिक्चर द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सीड होल। सीड क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को सीड होल से। सेकेंड, द रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग, फर्स्ट इट ग्रोज डाउनवर्ड, कि क्या हो रहा है, रूट स्टार्ट हो रही है ग्रो करना, जड़ें स्टार्ट हो रही है उगना। थर्ड, देन द शूट स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स, और ऊपर जाता हुआ वो छोटा छोटा सा उसमें पत्तियाँ आ रही है, वो ग्रो हो रहा है। फोर्थ, द बेबी प्लांट ग्रोस विथ ग्रीन लीव्स, और जो बेबी प्लांट था वो ग्रो हुआ ग्रीन लीव्स के साथ। इट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड, अब वो क्या स्टार्ट कर देगा, अपना खुद का ओन फूड बनाता है, जैसे कि प्लांट सारे अपना खुद का फूड बनाते हैं ना। इट सून ग्रोस इंटू एन एडल्ट प्लांट, और जल्दी वो एक एडल्ट प्लांट बन जाएगा। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, दीज आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसे आपको होमवर्क में पढ़ना है और समझना है।